कॉमन थिंकिंग सर, करो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं वीरेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फिनिशर पर। एक बार सभी बच्चे बता देंगे कि आवाज क्लियर है कि नहीं आपके पास। क्या आप सभी के पास आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग भाई, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग भाई। एक बार आवाज के बारे में बता दीजिए कि क्या आवाज क्लियर है सभी के पास। नमस्ते नमस्ते, सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राम राम। एक बार आवाज़ के बारे में बता दीजिए सर, आवाज़ कैसी है? आवाज़ ठीक आ रही है सभी के पास? क्लियर है आवाज़? चलिए चलिए, तो जैसा कि अपन ने दो सेशन डिस्कस कर लिए थे वो रिकॉर्डेड फॉर्म में थे, ठीक है। आज आज से अपन लाइव सेशन डेली 9 से 10 डेली मैथ का और रीजनिंग का सेशन लाइव होगा। आप इस क्लास से जुड़ना न भूलें, क्योंकि क्योंकि इस क्लास में वही कंटेंट लिया जा रहा है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट है और एकदम रिलेवेंट है। तो आपको करना क्या है, मैं दोबारा उस बात को दोहराऊंगा कि आपको करना क्या है। क्वेश्चन आपके सामने आते ही आपको क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करना है, उसके बाद अगर कोई क्वेश्चन आपको अच्छा लगता है या उसके कंसेप्ट आपको अच्छी लगती है तो आपको उसको अपनी कॉपी में क्या करना है, नोट करना है, ताकि आप जब एग्जाम देने जाओ तो उसको रिवाइज बार बार कर पाओ, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। आज के सेशन की अपन शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैथ्स एंड रीजनिंग का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, ये डेली लाइव चलेगा। डेली लाइव इसी टाइम पे 9 से 10 लाइव चलेगा। आप जहां तक हो सके आप लाइव सेशन अटेंड करेंगे, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, तो फिर शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आप सभी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, पहले पहले सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। देखो क्या बोला गया अपन को, अपन को बोला गया कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी दो अंकों की अभाज्य संख्याएं। क्या बोला गया आपको? अभाज्य संख्याएं के बारे में बताया गया कि दो अंकों की जो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है और दो अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या का क्या बताना है आपको? आपको अंतर बताना है दोनों का। क्या बताना है? अंतर बताना है। एक मिनट, तो मैं आपसे पूछूं कि दो अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी होगी? सबसे बड़ी होती है 97। कौन सी होती है? 97। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी। ये दो अंकों की संख्या की बात हो रही है, ना कि अभाज्य संख्या की। दो अंकों की अभाज्य संख्या, देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो क्या होती है? दो होती है, लेकिन दो अंकों की कौन सी होती है? वो होती है 11। कितनी होती है? 11। आप दोनों को इनका अंतर पूछा है। क्या पूछा है? अंतर। तो अंतर देखो बहुत ही आसानी से निकाल देंगे, 6 और 8 यानी कि 86। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन नंबर 4, 86 अपना राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, एक लॉजिकल क्वेश्चन था कि आपको याद होनी चाहिए थी चीजें। अगर आपको याद नहीं होती तो इसमें ही आप कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लगा देते। तो देखो छोटे छोटे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, आपको उनमें टाइम ज्यादा नहीं गवाना है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे, सभी लोग सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। शाबाश भाई, सभी का आंसर आ रहा है 86। बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सभी को। चलिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग, सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यदि किसी संख्या का एक बटे सात संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या संख्या से 30 कम होती है। यानी कि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणामी जो संख्या होती है ना, वो संख्या से 30 कम प्राप्त होती है। क्या कम प्राप्त होती है? 30 कम प्राप्त होती है। तो देखो कैसा क्वेश्चन को करेंगे, जैसे जैसे अपन को लैंग्वेज बोली गई है ना, जैसे जैसे लैंग्वेज बोली जा रही है वैसे वैसे क्वेश्चन को मैथमेटिकल टर्म में लिखते जाओ, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो देखो क्या क्या बोला है, यदि किसी संख्या का, माना कोई संख्या एक्स है, माना संख्या मान ली कि वह संख्या क्या है, एक्स है, ओके, एक्स संख्या मान ली। अब अपन को क्या बोला कि संख्या का एक बटे सात कितना हो गया, एक्स बाई सेवन
अब इसके बारे में क्या बोला गया कि संख्या से घटाया जाता है, तो वो संख्या क्या होगी x, तो मैं x से x बाई सेवन घटाऊंगा, x से x बाई सेवन घटाऊंगा तो इसके बराबर में मेरे को क्या प्राप्त होता है, तो परिणाम संख्या से 30 कम प्राप्त होता है। परिणाम क्या प्राप्त होता है, संख्या से 30 कम। तो देखो संख्या क्या थी, इसका परिणाम क्या है, संख्या क्या है x, x से कितना कम प्राप्त हो रहा है 30 कम प्राप्त हो रहा है सर, कितना कम प्राप्त हो रहा है 30 कम प्राप्त हो रहा है। ये अपने पास इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करके अपन x का मान निकालेंगे तो अपने पास वो संख्या आ जाएगी। तो देखो कैसे करेंगे, x में से x बाई सेवन घटाएंगे तो कितना आएगा, देखो कितना आएगा। अब देखो यहां से एक डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, देखो x यहां पे प्लस का है, यहां पे भी प्लस का है, x x को मैं एक साइड ले लूंगा, देखो x माइनस x बाई सेवन, x बाई सेवन। अब इधर देखो प्लस का x है, ये बराबर के इधर आएगा तो माइनस का x हो जाएगा बराबर, ये देखो कितना बच रहा है, ये माइनस 30 इधर बच गया, ठीक है। अब देखो ये प्लस का x है और ये माइनस का x है, x से x कैंसिल आउट हो गए, और देखो यहां पे क्या बच गया, माइनस x बाई सेवन, माइनस x बाई सेवन और बराबर माइनस 30। देखो माइनस से माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, x x बाई सेवन बराबर कितना आ गया 30, तो x बराबर यहां पे कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 30 गुणे 7, 30 गुणे 7 यानी कि 30 गुणे 7 कितना होता है, 30 गुणे 7 होता है 210, 210। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर 4, 210 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, 210। ठीक है भाई, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, सभी को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भाई। चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सभी लोग क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। तीसरा क्वेश्चन देखिए सभी, क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। जी हाँ, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे कि आपको भिन्न दे देगा कोई भी तीन या चार, और आपको पूछेगा इनमें सबसे बड़ी भिन्न कौन है, इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, या इनको आरोही क्रम में सजाइए या इनको अवरोही क्रम में सजाइए, घटते या बढ़ते क्रम में इनको सजाना है आपको। तो आपको ऐसे क्वेश्चन कैसे करने होंगे, कैसे करते हैं इन क्वेश्चन को, आइए जानते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो आपको देखो देखने से पता लग रहा कि सर कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो आपको इनके दशमलव यानी दशमलव मान निकालने पड़ेंगे। तो देखो मैं आठ सात में आठ का भाग देता हूं तो कितना आता है, सात में आठ का भाग देता हूं, देखो 0.8 64 और देखो कितना बच गया 6, तो 8 7 56 0.87 इसका हो जाएगा। इसके बराबर में कितना आएगा, देखो एक जीरो है तो 0.7 इसका आंसर आ जाएगा। इस ऐसे इसके बराबर में कितना आ जाएगा, इसके बराबर में आ जाएगा 0.7 और 5, 0.7 और 5। इसके बराबर में कितना आएगा, देखो 0.10 आ जाएगा, 7 7 7 49 और 7 1 7। अब देखो आप आसानी से बता सकते हो, अब आप आसानी से बता सकते हो कि इनमें इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। देखो 0.7 है, ये 0.71 है, 0.71 है तो कहीं ना कहीं इससे बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो ये 0 है ना, 0.70 है, 0.70 है, ये 0.71 है तो ये बड़ा होगा। तो सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, सबसे छोटी भिन्न होगी ऑप्शन नंबर 2, 7/10 अपना राइट आंसर हो जाएगा। तीन तीन आंसर नहीं आना चाहिए, तीन नहीं है बड़ी, इसका मान है 0.75, सबका आ रहा है यूनिक फैक्ट का आंसर आ गया 7/10, बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। जी जी हाँ, अगले अगले सेशन से इंग्लिश लैंग्वेज भी आ जाएगी, कोई चिंता करने की बात नहीं है, अभी ये क्वेश्चन हिंदी में है, इंग्लिश में भी नेक्स्ट क्लास में ये बाईलैंग्वेज क्वेश्चन होंगे आपके पास, निस्फिक्र रहिए आप। चलिए चलिए देखो फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ये रहा फोर्थ क्वेश्चन, देखो फोर्थ क्वेश्चन सभी क्वेश्चन सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें। देखो चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि 196 का रूट का होल रूट 107 और का होल रूट 214, आपको इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करना है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, तो आपको करना क्या है, बाहर से सोल्व नहीं करना, जहां पे कम से कम रूट दिया हुआ है, ये रूट दिया हुआ ना, तो यहां से अंदर से बाहर सोल्व करते जाओ। कैसे सोल्व करोगे, अंदर से बाहर सोल्व करते जाओ, कैसे करोगे, देखो आपको 196 पहले सोल्व करना है, तो आप करोगे ऐसे, देखो इसको ऐसे लिख लेंगे अपन 214 प्लस ये रूट दिया हुआ है, ये रूट दिया हुआ है कितना 107 प्लस। अब देखो इसका मान मेरे को पता है कि रूट 196 का मान कितना होता है, रूट 196 का मान होता है 14, 196 किसका वर्ग होता है, 196 होता है 14 का वर्ग, तो 196 रूट की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 14 लिख दूंगा। अब देखो मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा 214 प्लस, अब देखो इनको दोनों को जोड़ के लिख दूंगा रूट 7 और 4 11, एक दो और एक क्या जाएगा 121। अब देखो क्या करूंगा मैं, ये आ गया 214 प्लस इस रूट को सोल्व करूंगा तो कितना आएगा 121, किसका वर्ग होता है, 121 होता है 11 का वर्ग, किसका वर्ग होता है 11 का वर्ग। अब देखो इसके बराबर में क्या लिख सकता हूं, रूट ये गया 5, एक और एक दो और एक दो,
तो कितना आ गया रूट 225 कितना होता है 15, कितना होता है 15, तो राइट आंसर क्या हो गया अपने पास 15 अपना राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। जी भाई बिल्कुल सही, बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है 15 आंसर सभी का आ रहा है, वेरी गुड भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इनमें मिस्टेक नहीं करनी, ये मिस्टेक करने वाला ही क्वेश्चन है, आपको इनमें मिस्टेक नहीं करनी है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैं यहां पे लिया गया कि इसमें मिस्टेक ना करो आप एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिले हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि आपको दिया गया कि 5 × 0.5 ठीक है गुणे 0.005 × 500 आपको ये चीज दी हुई है। अब आपको इसको सोल्व करके इसका मान बताना है कि इसका मान कितना होगा, इसका मान कितना होगा। देखो सेम सी आ रही 3125.3125 कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे हैं, अगर आपने एक भी जीरो इधर उधर काट दिया तो आपका ऑप्शन आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, तो यही गलती आपको नहीं करनी है। तो देखो ऊपर क्या दिया हुआ, देखो ऊपर वाली संख्याओं को मैं एक साथ लिख लूं, 5 × 5 × 5 × 500 देखो पॉइंट सबके हटा दी मैंने, पहले में तो पॉइंट है नहीं कोई, दूसरे का देखो पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे कितना आएगा 10, तो यानी आपके एक जीरो ये आ गया ठीक है। तीसरे का पॉइंट उठाऊंगा नीचे देखो दो जीरो हैं, दो अक्षर हैं तो दो जीरो आ जाएंगे नीचे ठीक है। ऐसे देखो तीसरे में तीन अक्षर है तो तीन जीरो आ जाएंगे नीचे। अब आगे 500 है, अब देखो कितने जीरो कट सकते हैं, देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, ओके दो जीरो से दो जीरो कैंसिल आउट हो गए, तो यहां पे 5 × 5 × 5 × 5 और 5 पांच पांच की पावर पांच कितना होता है 3125 कितना होता है 3125 कितना होता है 3125 बटे नीचे कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं 1, 2, 3 और 4 चार जीरो हैं। अब मैं पॉइंट कैसे लगाऊं, देखो चार ही जीरो हैं और ऊपर चार ही डिजिट हैं 1, 2, 3, 4 चार डिजिट छोड़ के मैं क्या लगा दूंगा पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 0.3125 कितना आंसर हो जाएगा 0.3125 अपना राइट आंसर हो गया। अब देखो कोई इसमें कहीं ना कहीं जीरो एक दूसरे ज्यादा लगा देगा या फिर ज्यादा जीरो काट देगा तो कहीं ना कहीं उसका आंसर गलत होने की संभावना है, तो ऐसी सिलिंग मिस्टेक से बचने के लिए आपको क्या करना है, ऐसी सिलिंग मिस्टेक से बचने के लिए क्या करना है, इसको एकदम बिल्कुल ध्यान से देखना है कि जीरो कौन सा जीरो कट रहा है, नीचे कितने जीरो आएंगे और ऊपर कितने जीरो कटेंगे। बिल्कुल सही भाई, सबका सही आंसर आ रहा है, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए चलिए बहुत बढ़िया भाई सभी। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया। आपको बताना है कि ये आपको चार भिन्न दी हुई हैं, चार आपको फ्रैक्शंस दी हुई हैं, आपको इनका एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है एलसीएम बताना है मेरे को, एलसीएम बताना है जी बिल्कुल। ये पूछा गया क्वेश्चन है, अग्निवीर में ही पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसे देखो सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आपको ज्यादा हाई तोबा करने की जरूरत है नहीं, अच्छे और सिंपल क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, उन्हीं में लोग गलती कर देते हैं, कैसे ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलती कर देते हैं, वो आपको नहीं करनी है। यानी कि मैं यहां पे देखो सिंपल क्वेश्चन भी है और कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिए, इनका एलसीएम बताना है आपको। तो आपको मैं एक बात बताऊं कि आपको जैसे आपने कोई संख्या है उनका एलसीएम तो निकाल सकते हो आप, उनका एलसीएम तो निकाल सकते हो, लेकिन क्या भिन्न का एलसीएम निकालना आता है क्या आपको, भिन्न का एलसीएम वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इवन सीजीएल सीपीओ इनमें भी पूछे जाते हैं। तो करते कैसे हैं, देखो भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं, जैसे ये कोई भिन्न है, क्या है 2/3, एक ये है, एक है 4/9, एक है 7/12, क्या है 7/12 और चौथी क्या है 3/5। अब ये चार भिन्न है, इनका एलसीएम बताना है, एलसीएम कैसे बताऊंगा मैं, एलसीएम कैसे बताऊंगा, जो अंश होता है ना मेरा, अंश जो न्यूमरेटर होता है अंश, उसका तो मैं क्या ले लूंगा एलसीएम, यानी कि एलसीएम पूछा है ना मेरे को, तो न्यूमरेटर यानी कि अंश का तो एलसीएम ले लूंगा, और जो डिनोमिनेटर यानी कि हर होता है उसका क्या लूंगा एचसीएफ। तो कैसे निकालते हैं, देखो अंश का एलसीएम, अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, क्या निकालते हैं हर का एचसीएफ, भिन्न का एलसीएम ऐसे निकालते हैं, एलसीएम पूछा है तो अंश का तो एलसीएम और हर का एचसीएफ। अगर आपको एचसीएफ पूछा होता तो आप अंश का क्या निकालते एचसीएफ और हर का क्या निकालते एलसीएम, क्या निकालते एलसीएम, उल्टा हो जाता एक तरह से। तो देखो कैसे निकालूंगा, अंश का एलसीएम क्या होगा, अंश का एलसीएम सभी लोग बता देंगे मेरे को, अंश का एलसीएम क्या होगा, देखो 2, 4, 7 और 3,
2, 4, 7 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 2, 4, 7 और 3 का एलसीएम होगा, देखो 3 × 7 = 21, 21 हो गया 84। देखो 84 होगा इसका एलसीएम, क्योंकि 2 का भाग 4 में ऑलरेडी जाता है, 2 का भाग 4 में ऑलरेडी जाता है, तो यहाँ पे 2 से गुणा करने की जरूरत नहीं है अपन को। तो 84 इसका एलसीएम हो गया। अब हर का एचसीएफ कैसे निकालूं मैं? हर का एचसीएफ क्या होगा? 3, 9, 12, 5। अब देखना है कि इनमें सबसे कॉमन चीज क्या है, ऐसी कोई कॉमन डिजिट है क्या जिनमें इन सभी का भाग जाता है? वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। वही क्या होता है? एचसीएफ होता है। तो मेरे को ऐसी कोई डिजिट नहीं मिल रही यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इनका एचसीएफ क्या होगा? 1। क्या होगा? 1 इसका एचसीएफ होगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84/1, यानी कि 84 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 84। तो इनका एलसीएम कितना गया? 84 अपना ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट आंसर हो जाएगा। एचसीएफ 1 भाई सभी का आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राजेश तिवारी का जी का भी आंसर आ गया, बिल्कुल भाई राजेश तिवारी, 84 सही आंसर है आपका सभी का। देखो दोस्त, देखो करना क्या है, आपको हर क्वेश्चन के आंसर देने हैं और लास्ट में इवेल्युएट करके मेरे को टोटल स्कोर भी आपको बताना है कि मेरा सर इतने नंबर आए, मेरे 20 में से इतने नंबर आए, 20 में से मेरे इतने नंबर आए। आप सभी को अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन करना है, ठीक है। देखो सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सातवां क्वेश्चन करने का प्रयास करें सभी। सेवंथ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या बोला गया कि दो संख्याओं का मैसेप है, यानी कि एचसीएफ। क्या बोला गया? दो संख्याओं का एचसीएफ जो है, दो संख्याओं का एचसीएफ जो है 12 है। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी इसको एक्सप्लेन करूंगा कि दो जो नंबर है ना आपके पास, दो नंबर का एचसीएफ आपको दिया हुआ है, कितना है? 12 है। कितना है? 12 है। और एलसीएम, एलसीएम भी दिया हुआ है आपको। एलसीएम कितना दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है 72, यानी कि 72। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 72। और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 12। तो आपको बताना है कि अगर उन्हें पहली नंबर, पहली संख्या अगर 24 है, पहली संख्या अगर 24 है, तो आपको सेकंड नंबर बताना है, सेकंड नंबर क्या होगा। अब देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, इसके एक स्पेशल फॉर्मूला होता है कि देखो आप एक नोट कर लेना बात, एचसीएफ, एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, इंटू सेकंड नंबर, यानी कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। यह बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। इस बात पे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बहुत मिल सकता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो आपको चार चीजें दी हुई हैं, चार चीजें हैं यहां पे, तीन चीजें आपको दी हुई हैं, आपको चौथी चीज पूछी है। तो देखो जहां जहां जो वैल्यू दी हुई है वो मैं यहां पे रख दूंगा। एचसीएफ कितना है मेरा? 12। एचसीएफ कितना? 12। एलसीएम कितना है? एलसीएम है 72 सर। और देखो पहली संख्या क्या है? 24। आपको सेकंड नंबर पूछा है, आपको सेकंड नंबर पूछा है। तो कैसे निकालूंगा? देखो 24 इधर गुणे में है तो इधर भाग में आ जाएगा, तो 12 गुणे 72 बटे क्या हो जाएगा? 24 बटे क्या हो जाएगा? 24 बराबर सेकंड नंबर, बराबर सेकंड नंबर। अब देखो 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72, तो सेकंड जो दूसरी संख्या थी वो कितनी आ गई? सेकंड नंबर कितनी आ गई? 36, यानी कि 36 अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। आया समझ सभी को? आया समझ सभी को? बिल्कुल भाई सभी का सी आंसर आ रहा है, किसी का 36 आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। क्या आवाज क्लियर है? आवाज तो आ रही है ना सभी के पास? आवाज क्लियर है? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या स्पीड तेज या धीरे तो नहीं है। स्पीड ठीक है? स्पीड ठीक है? 37 किसका आंसर आ रहा है भाई? 37 किसका आंसर आ रहा है? 37 आंसर नहीं आना चाहिए भाई राजेश तिवारी जी। एक गांव की जनसंख्या, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। करने सभी लोग आठवां क्वेश्चन करने का प्रयास करें, सभी लोग आठवां क्वेश्चन करने का प्रयास करें जी। भाई शिवम कुमार, अरुण कुमार, काजल खान, शेखर, शेखर सर मेरा नाम ले लो, शेखर, शेखर आपका नाम ले लिया भाई, राजरोक का भी नाम ले लिया है, अतुल विश्वकर्म इसका भी ले लिया है, शिवम कुमार का भी ले लिया है, अंशिका का भी नाम ले लिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें सभी, आठवां क्वेश्चन करें, आठवां क्वेश्चन करें सभी, आठवां क्वेश्चन करें सभी। देखो क्या बोला गया कि एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या क्या है? एक गांव की जनसंख्या है 18,000। कितनी है जनसंख्या? एक गांव की जनसंख्या कितनी है? 18,000। बढ़के कितनी होगी? बढ़के कितनी होगी? बढ़के होगी सर 22,500। कितनी होगी? 22,500। तो आपको वृद्धि प्रतिशत बताना है। क्या बताना है? वृद्धि प्रतिशत। जैसे आपको मान लो कि कोई गांव की जनसंख्या 18,000 थी, 18,000 थी, और बढ़ के वो जनसंख्या कितनी होगी? बढ़ के जनसंख्या होगी 22,500। कितनी होगी? 22,500। कितनी होगी? 22,500। अब आपको बताना है कि जो वृद्धि हुई ना, वृद्धि तो नहीं बतानी आपको, वृद्धि तो देखो कितनी वृद्धि हुई, अब मैं आपसे पूछूं वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि कितनी हुई। तो देखो आप क्या देखो, 22,500 में से, 22,500 में से 18,000 घटाओगे तो कितना आएगा? देखो 0, 0, 5 और 4, यानी कि 4,500। तो कितनी जनसंख्या बढ़ गई? मैं आपसे पूछूं नंबर्स में कितनी जनसंख्या बढ़ गई, तो आप बताओगे सर 4,500 जनसंख्या बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 4,500। 4,500, 4,500। अब मैं आपसे पूछूं परसेंटेज में कितनी वृद्धि हुई,
परसेंटेज में वृद्धि कैसे निकालते हैं, परसेंटेज में वृद्धि कैसे निकालते हैं, तो आपको देखो प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो, प्रतिशत वृद्धि निकालनी हो तो क्या करेंगे, वृद्धि परसेंटेज निकालना तो क्या हो, वृद्धि आप जो वृद्धि हुई है तो ऊपर लिख लो बटे जो बेस वैल्यू, यानी कि जो ओरिजिनल वैल्यू थी ना अपनी, जो ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100 इनटू 100, तो वृद्धि कितनी की हुई, मेरे को सभी बच्चे बताएंगे वृद्धि कितने की हुई, तो वृद्धि सर 4500 रुपए की हुई, 4500 जनसंख्या बढ़ गई, कितने पे बढ़ी, अपनी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है 18000 अपनी ओरिजिनल वैल्यू आ गई इनटू 100 इनटू 100। अब देखो तीन जीरो नीचे है, दो जीरो ये कट गए, एक जीरो ये कट गया, ओके देखो 9 9 25 45, 9 2 18, 2 10, तो कितना आ गया 25%, कितनी परसेंट वृद्धि हुई 25%, अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर, देखो 5 और 5 25%, 5 और 5 25%, तो अपना आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा 25%, अपना राइट आंसर हो जाएगा, सभी का आ रहा है, सभी का आ रहा है, सभी का आ रहा है, बिल्कुल भाई बिल्कुल बिल्कुल सभी का 25 आंसर है, वेरी गुड सभी को, वेरी गुड भाई वेरी गुड। वैसे आप तो ऐसे आंसर देते रहिए, आपका कब अग्निवीर में पूरे में से पूरे नंबर आ जाएंगे ये देखना आप, बहुत ही जल्द आपके अग्निवीर में से पूरे नंबर आने लगेंगे और फाइनल एग्जाम में भी आप पूरे में से पूरे नंबर लोगे, ये मेरा वादा है आपसे, ये मेरा क्या है वादा है, क्योंकि आपको कंटेंट उसी टाइप का प्रोवाइड कराया जा रहा है जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से टू द पॉइंट हो और एकदम रेलेवेंट हो, वही कंटेंट मैं आपके सामने बहुत ही ज्यादा मेहनत के साथ ला रहा हूं, तो आपको इसकी कदर करनी है और क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन अच्छा आता है उसको नोट करना है, नोट करने में देखो शर्माना नहीं है, मैथ को जितना पेन चलाओगे उतनी ज्यादा मैथ आपकी, उतनी ज्यादा मैथ आपको आने लगेगी, देखो मैथ है सारा खेल पेन का, जितना ज्यादा पेन चलाओगे उतनी ज्यादा मैथ आएगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 40%, किसी संख्या का 40%, अब देखो ऐसे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं, आपको नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन है वो आपको देखने को मिलेगा, ये नंबर सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, क्या होते हैं नंबर सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, तो आपको क्या बोला गया किसी संख्या का 40%, तो माना वह संख्या x है, तो पहले वो संख्या माननी पड़ेगी, माना वह संख्या अपन ने मान ली x है। देखो अपन ज्यादा ट्रिकों के पीछे भी नहीं, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ज्यादा ट्रिक के पीछे भागना भी अच्छी बात नहीं है, अपन को सिंपली तरीके से अपना बेसिक से बना लेंगे, बेसिक से बहुत ही कम टाइम में बना लेंगे, वहां पे अपन स्टेप को खाने का प्रयास करेंगे, बेसिक से करेंगे आंसर आने की संभावना भी अच्छी है और बिल्कुल 100% आंसर आपका आएगा, कॉन्फिडेंस के साथ आएगा। ट्रिक में क्या होता है कि आदमी थोड़ा फंस जाता है, कई बार फंस जाता है, ट्रिक याद नहीं होती तो क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, लेकिन बेसिक से करोगे क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा और अच्छे से भी होगा क्वेश्चन, ठीक है। देखो माना वह संख्या क्या है, एक्स है, अब जैसे जैसे बोला गया मैंने फिर बताऊंगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म में इक्वेशन बनाते जाओ, तो क्या बोला है किसी संख्या का 40%, तो एक्स है, एक्स का 40%, ये मैंने लिख लिया x का 40%, यानी 40/100, x का 40% कितना होता है x into 40/100, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, ये संख्या के यानी कि उसी संख्या, यानी कि x के 4/5, x के 4/5 से 46 कम है, कितना कम है 46 कम है, कितना कम है 46 कम है, तो देखो ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन बनने के बाद आप यहां पे x का मान आराम से निकाल सकते हो, x का नाम निकाल सकते हो। जी मेरा नाम वीरेंद्र सैनी है, वीरेंद्र सैनी मेरा नाम है, कुछ लोग नाम पूछ रहे हैं, आंसर दीजिए पहले फिर नाम, सब ये बातें सारी बाद में डिस्कस की जाएंगी आपसे, 5 या 10 मिनट बाद में बातें की जाएंगी, नो टेंशन हो, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखो क्या इक्वेशन बन गई आपके पास, अब देखो यहां से मैं काट सकता हूं, कितना बन गया देखो 2/5, क्या बचे 2/5, 2x/5 तो यहां बच गया, ओके यहां पे कितना 4x/5 यहां बच गया, यहां पे बराबर सॉरी -46 है ही ऐसा कैसा, अब देखो 4x को इधर ले आऊंगा, मैं इधर ले आऊंगा तो कितना आएगा देखो 2x/5 -2x/5 -4x, अब देखो बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, -5 बराबर ये क्या है माइनस का 46 सही है। अब देखो क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा दोनों का, 5 एलसीएम आ जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा 2x -4x बराबर -46 बराबर -46। अब देखो कैसे करेंगे, देखो यहाँ क्या 2x-4x कितना होता है -2x -2x/5 तो है ही है बराबर -46 बराबर -46, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो 2x बराबर कितना आ गया 2x बराबर आ गया कैंसिल आउट, तो 2x बराबर कितना आ गया 2x बराबर आ गया 46 x बराबर कितना आ गया बटे 2 यानी कि 23, तो 5 3 15
और 5 × 2 = 10 और 11, यानी कि 115 आपके पास क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 115, x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 115, तो 115 यहां पे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 115 ऑप्शन नंबर सी यहां पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। बिल्कुल भाई सभी का आंसर आ रहा है, बहुत ही बढ़िया बात है, बहुत ही बढ़िया बात है, सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड वेरी गुड भाई, वेरी गुड वेरी गुड भाई, सभी को बहुत ही बढ़िया, 115 सभी का आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, करने का प्रयास करें। देखो 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विकास जो है 30,000 रुपए एक पुरानी बाइक खरीदता है, यानी कि विकास एक बाइक खरीदता है 30,000 रुपए में, पुरानी बाइक थी इसलिए सस्ती मिल गई, ठीक है, नहीं तो महंगी बाइक आती है, आपको पता ही कि बाइक कितने रुपए की आती है। पुरानी बाइक खरीदी और उसकी मरम्मत पे 5,000 रुपए खर्च किए, बाइक टूटी हुई थी, टूटी फूटी थी ना, तो 5,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च करे। तो देखो अब देखो ये मरम्मत पे खर्च करे ये मेरी किस प्राइस में ऐड होगा, देखो लाभ और हानि का क्वेश्चन है इसमें। एक तो देखो सीपीओ होता है यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य, एक तो क्रय मूल्य होता है, ठीक है, एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, क्या होता है विक्रय मूल्य। अब देखो मेरे को क्या दिया हुआ है, मेरे को देखो जो चीज खरीदी होगी, जो मेरी जेब से पैसा जा रहा है, आपको एक बात ध्यान रखनी, जो मेरी जेब से पैसा जा रहा है वो हमेशा क्रय मूल्य में ऐड होगा, किसमें ऐड होगा क्रय मूल्य में। अगर मेरी पैसे में जो मेरी जेब में पैसा आ रहा है, जो मेरी जेब में पैसा आ रहा है वो हमेशा क्या होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, जेब में आना विक्रय मूल्य, और जेब से जितना भी खर्च होना, आप बेशक उसकी मरम्मत में खर्च कर दो, उसके ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर दो, उसको खरीदने में खर्च कर दो, वो सारा का सारा सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य में ऐड होगा। तो देखो 30,000 रुपए की तो खरीद रहा था, 30,000 रुपए की तो खरीद ही रहा था, 5,000 रुपए उसकी मरम्मत पे खर्च करा यानी कि अपनी जेब से ही तो कर रहा है, तो देखो 5,000 रुपए और उसकी जेब से खर्च होंगे, तो ये देखो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए 35,000, ये उसका सीपी हो गया, टोटल सीपी का ओवरऑल सीपी हो गया, क्योंकि देखो 5,000 भी उसकी जेब से ही तो खर्च हुए, उसको लाने में ही तो खर्च हुए, उसकी मरम्मत पे ही तो खर्च हुए। अब देखो बेच कितने में रहा है, और उसको यदि वह बाइक को 42,000 रुपए में बेचता है यानी कि 42,000 में उसको बेच देता है, ठीक है 42,000 में बेच दिया, तो देखो क्या दिया हुआ है मेरे को, 35,000 में खरीदी और 42,000 में बेच दिया, 35,000 में खरीदी और 42,000 में बेच दिया, तो मैं आपसे पूछूं कि लाभ होगा कि हानि होगी, लाभ होगा कि हानि होगी। आप सभी बच्चे बताएंगे कि सर लाभ होगा, कितने हजार रुपए का लाभ होगा, तो 42,000 में से 35,000 घटाऊंगा तो देखो कितना जाएगा 7,000, तो आप बताओगे सर 7,000 का लाभ होगा, 7,000 का क्या होगा लाभ होगा इस प्रोसेस में, इस प्रोसेस में 7,000 का लाभ होगा। लेकिन क्या आपको लाभ पूछा है, क्या आपको लाभ प्रतिशत पूछा है, क्या पूछा है लाभ प्रतिशत, तो आप सभी बच्चे लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला बताएंगे, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ लाभ बटे क्रय मूल्य यानी कि लाभ प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। अब देखो लाभ कितने का है, लाभ है सर 7,000 का, ठीक है, क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य देखो ये टोटल क्रय मूल्य बताना है अपन को, क्रय मूल्य कितना है 35,000, कितना है 35,000 इनटू 100, देखो 7 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट, 7 5 35, 5 को 100 से भाग देंगे 20 आएगा, तो अपना आंसर राइट आंसर क्या हो जाएगा 20% यहाँ पे उसका प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया 20%, 20% यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, सभी का 20 आ रहा है, सभी का 20 आ रहा है, बिल्कुल भाई बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया बहुत बढ़िया, ग्रेट ऑफिशियल 20%, इंटरटेनमेंट फैक्ट्री 29%, आपका गलत है भाई, आपका गलत है, आपका गलत है, सही आंसर देना भाई, सही आंसर बिल्कुल भाई, अंशिका, लव शर्मा, बाबूलाल, शिवम कुमार, राजरोक, एंटरटेनमेंट फैक्ट्री, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, राजरोक सभी का आंसर, बिल्कुल भाई 20% ए ऑप्शन सभी का। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, रेशियो का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर को आपको एनालिसिस किया था, उन पे जो भी क्वेश्चन बेस आ रहे थे वो सारे क्वेश्चन मैंने लिए हैं, और भविष्य में क्या बन सकते हैं वो भी यहाँ पे मैंने ऐड करे हैं, तो इनमें आपको मिक्सअप मिलेगा, एक चीज इजी क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, थोड़े बहुत अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे, ऐसा ही लेवल आपके एग्जाम का आता है, ऐसे ही क्वेश्चन अपन यहाँ पे प्रयास यानी कि अभ्यास करने वाले हैं। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि ए अनुपात बी आपको दिया हुआ है कितना है 3:4, 3:4, एक आपको और चीज क्या दी हुई है, एक आपको डी अनुपात बी दिया हुआ है, डी अनुपात बी कितना है 4:3। अब देखो अब मेरे को इन दोनों अनुपात को मर्ज करना है, दोनों अनुपात को मर्ज करना है, तो कैसे मर्ज करते हैं, इन दोनों अनुपात में क्या कॉमन है, आपको वो देखना है कि सर इनमें क्या कॉमन है, देखो इसमें भी बी आ रहा है और उसमें भी बी आ रहा है, तो इसमें बी और बी कॉमन है, तो कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, तो ए अनुपात बी, ठीक है, ए अनुपात बी कितना है 3:4, 3:4। अब देखो यहां पर डी अनुपात बी है,
तो बी के नीचे मैं बी लिखूंगा, बी के नीचे बी लिखूंगा, तो देखो यहां से डी अनुपात बी है, तो बी अनुपात डी क्या होगा, बी अनुपात देखो उल्टा हो जाएगा इसका, इसका उल्टा हो जाएगा। ऐसे देखो बी के नीचे बी लिख दूंगा, बी के नीचे बी लिखूंगा, तीन अनुपात चार, देखो ये डी हो गया, ये डी हो गया ना, ये क्या हो गया, डी हो गया। अब देखो बी के नीचे बी लिख दिया मैंने, अब क्या करूंगा मैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, बिल्कुल अपना राइट आंसर आ जाएगा। तो क्या करूंगा देखो, तीन तीन नौ अनुपात चार तीय बारह अनुपात चार और चोर सोलह। तो देखो ए, ये क्या आ गया पास, ए का तो नीचे ए आ जाएगा, बी के नीचे बी, ये बी का अनुपात है और ये डी के नीचे डी का अनुपात है। तो मैं आपसे पूछूं ए अनुपात बी अनुपात डी कितना आ जाएगा आपके पास, ए अनुपात बी अनुपात डी कितना आ जाएगा, नौ अनुपात बारह अनुपात सोलह। अब देखो ये कट नहीं, ये आगे कट नहीं रहा, तो ये यहां तक अपना राइट अनुपात होगा, यानी कि सही अनुपात होगा। अब मेरे को पूछा क्या है, मेरे को क्या पूछा है, मेरे को पूछा है ए अनुपात डी, ए अनुपात डी पूछा, यानी कि बी के बारे में अपन को नहीं बताना। तो ए अनुपात डी कितना हो जाएगा, ए का डी के साथ अनुपात क्या है, नौ अनुपात सोलह, क्या हो जाएगा, नौ अनुपात सोलह, नौ अनुपात सोलह अपना राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, नौ अनुपात सोलह राइट आंसर हो जाएगा। ए ए सभी का आ रहा है, तीन अनुपात चार नहीं आना चाहिए, तीन अनुपात चार नहीं आना चाहिए। यहाँ पे कटेगा कैसे, अनुपात को कैसे काटते हैं, अनुपात को काटने का मतलब यह है कि इसको सरल करने का मतलब यह है कि ये दोनों संख्याएं, ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, ये दोनों संख्याएं किसी एक संख्या से कटनी चाहिए, ना कि इनका आपने वर्गमूल निकाल दिया, ना कि इनका आपने वर्गमूल नहीं निकालना है, इनको किसी सेम संख्या से काटना है। तो ये दोनों संख्याएं किसी सेम संख्या से नहीं कट रही, तो यही अपना राइट आंसर हो जाएगा, नौ अनुपात सोलह अपना राइट आंसर। देखते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का अच्छा क्वेश्चन है। आपको करना है कि हिमांशु है ना, हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दो गुना सक्षम है। हिमांशु के बारे में बताया गया कि जो सक्षम का मतलब क्या होता है, सक्षम है इसका मतलब वो ज्यादा कुशल है कार्य करने में, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, उसकी क्या है, एफिशिएंसी दुगुनी है, दुगुना कुशल है, दुगुना सक्षम है, इसका मतलब हिमांशु, हिमांशु की एफिशिएंसी अंकित से दुगुनी है, एफिशिएंसी दुगुनी है, यानी कि हिमांशु एक दिन में अगर एक काम करता है ना, हिमांशु अगर एक दिन में, सॉरी अंकित अगर एक दिन में एक काम करता है, तो हिमांशु उससे दुगुना यानी कि दो काम करेगा, यानी कि दो काम करेगा, यानी कि इसको ऐसे समझते हैं, देखो एक चेयर अगर अंकित दिन में एक चेयर बनाता है, अंकित लकड़हारा है ना, तो अगर अंकित दिन में एक पेड़ काटता है, अंकित दिन में एक पाड़ता है, तो हिमांशु कितने काटेगा, हिमांशु दुगना काटेगा, यानी कि दो पेड़ काटेगा। तो देखो इनको कैसे बनाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, आपको हिमांशु दिया हो तो हिमांशु को एस लिख ले, अंकित दिया हो तो अंकित का ए लिख लो, ठीक है। अब देखो आपको इनकी एफिशिएंसी डायरेक्ट दी हुई है, एफिशिएंसी आपको डायरेक्ट दी हुई, इन दोनों की एफिशिएंसी आपको डायरेक्ट दी हुई है, तो एफिशिएंसी के बराबर मैं एफिशिएंसी लिख लूंगा। तो जैसे मैंने मान ली कि अंकित से दोगुना सक्षम है हिमांशु, अंकित से दोगुना सक्षम है हिमांशु, तो जैसे मैंने अंकित की एफिशिएंसी एक मान ली, मैंने मान ली कुछ भी, एफिशिएंसी का मतलब एक दिन का काम, एफिशिएंसी मतलब एक दिन का काम, तो एक दिन का काम अगर अंकित का एक है, अगर अंकित का एक है तो हिमांशु का कितना होगा, हिमांशु का दो हो जाएगा, सर दुगुना है तो दो हो जाएगा, ओके। अब आपको क्या बोला गया कि दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, दोनों मिलकर किसी काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं। अब देखो दोनों मिलकर काम करेंगे, एक दिन में हिमांशु दो काम कर रहा है और अंकित जो है एक काम कर रहा है, यानी कि अंकित एक पेड़ काट रहा है और हिमांशु दो पेड़ काट रहा है। अब देखो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलकर एक दिन में दो प्लस एक, यानी कि इतना काम करेंगे, तीन काम करेंगे, लेकिन काम कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, काम 16 दिन में करेंगे, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम कितना हो गया, एक दिन का काम तीन है, काम 16 दिन में पूरा हो रहा है, 16 तीन 48, यानी कि मेरा टोटल काम कितना हो गया 48, यानी कि मेरे को 48 पेड़ कहीं ना कहीं काटने होंगे, 48 पेड़ कहीं ना कहीं काटने होंगे। अब मेरे को पूछा क्या है, पूछा यह है कि मेरे को अंकित अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अगर मेरे को 48 पेड़ ही काटने हैं ना, अगर मेरे को 48 पेड़ ही काटने हैं, तो मैं अंकित को ही अगर लगाऊं, अंकित को ही लगाऊं, तो अंकित उस काम को कितने दिन में करेगा, अंकित उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल वर्क कितना है, तो अंकित के दिन निकालने के लिए टोटल, टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, अंकित की एफिशिएंसी, तो टोटल वर्क कितना है 48, अंकित की एफिशिएंसी सर मेरे को दी हुई है एक है, तो मेरा कितने दिन आ जाएंगे 48 डेज मेरा क्या हो जाएगा राइट आंसर, आपने ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। आया सभी का आंसर 48 डेज, बिल्कुल सही भाई, बिल्कुल सही भाई जी। साइंस के क्वेश्चन भी होंगे आपके, साइंस के क्वेश्चन भी आपको कराए जाएंगे, आप निष्फिक्र रहिए, आपको हर क्वेश्चन से आपको रूबरू कराया जाएगा, नो टेंशन रहिए, आप निष्फिक्र रहिए, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों होंगे क्वेश्चन होंगे। देखो कितना बड़ा सिलेबस है, एक दिन में तो सब कुछ समाप्त नहीं हो सकता ना, तो आपको धीरे धीरे वेट करना पड़ेगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ कराया जाएगा, ओके।
तेरहवा क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, ये रहा कि 10,000 की एक बाइक, 10,000 की एक धनराशि पर 5 पैसे प्रति माह है, इसको इंपोर्टेंट क्वेश्चन माफ कर लेना, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने लायक क्वेश्चन है, गलती करने लायक क्वेश्चन है, गलती करने लायक क्वेश्चन है, आप गलती कर सकते हो इस क्वेश्चन में, लेकिन आपको गलती नहीं करनी है क्योंकि आप फौजी बनने जा रहे हो, आप अच्छे स्टूडेंट हो, ठीक है। देखो जिस प्रकार आप मेहनत, जिस प्रकार मेहनत दौड़ या रनिंग फिजिकल एग्जाम के लिए करते हैं ना, उस वही मेहनत आपको कहीं ना कहीं रिटर्न एग्जाम के लिए भी करनी है, अगर मेरे भाई अगर आपको फौजी बनना है तो ये कमिटमेंट आपसे लेनी है कि अपन डेली डेली क्लास अटेंड करेंगे और जो पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार रिवीजन करेंगे, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 10,000 की एक धनराशि, देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आपको मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल मूलधन कितना दिया हुआ है 10,000, कितना दिया हुआ है 10,000, ओके। अब आपको रेट दी हुई है, रेट दी हुई है आपको 5 पैसे। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो सोचने लायक क्वेश्चन, बात कहां फंसती, देखो 5 पैसे प्रति रुपए, 5 पैसे प्रति रुपए यानी कि 5/100, 5/100 यानी कि 5%, 5% की आपको क्या दी हुई है रेट, क्या दी हुई है रेट, लेकिन ये प्रतिमाह यानी कि मंथली है, ये रेट आपको मंथली दी हुई है, क्या दी हुई है मंथली दी हुई है, ना कि ईयरली दी हुई है, ओके। 6 माह टाइम क्या दिया हुआ है आपके पास, टाइम आपके पास क्या दिया हुआ है, टाइम आपको दिया हुआ है 6 मंथ, 6 मंथ आपको टाइम दिया हुआ है, यानी कि दोनों की यूनिट सेम है, दोनों की यूनिट सेम है, तो यहाँ पे आपको ज्यादा नहीं सोचना, कई बार लड़के क्या 6 मंथ को तो ईयर में बदल देते हैं लेकिन रेट को नहीं बदलते, तब आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज आसानी से कैसे निकालना है, साधारण ब्याज क्या होता है मूलधन यानी कि 10,000 इंटू दर कितनी है 5% इंटू समय यानी कि 6, बट्टे में क्या लिखूं मैं, बट्टे में कुछ नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरा समय भी मंथ में है और मेरी दर भी मंथली है, तो इसलिए मेरे को बट्टे में बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं दर को अगर ईयर में बदलूंगा तो मेरे को मंथ को भी ईयर में बदलना होगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सेम ही आना है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, बट्टे 100, देखो परसेंटेज का सेनेट होगा, नीचे क्या आएगा बट्टे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, क्या होगा 6 5 30 और 00 कितना हो जाएगा 3,000, अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर, क्या आंसर हो जाएगा 3,000, अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 3,000, बिल्कुल भाई सभी का आंसर आया सी सी सी, शिवम कुमार बहुत बार सी लिख दिया, एक बार लिख देते तो भी मैं पढ़ लेता शिवम कुमार, चलिए चलिए बहुत बढ़िया, आ रहा है समझ सभी को समझ आ रहा है ना, बिल्कुल भाई सर मेरा भी नाम ले लो, कौन हो भाई, विपिन पाल का नाम भी ले दिया गया भाई, विपिन पाल का नाम भी ले दिया गया, सभी एक बार ताली बजा देंगे विपिन पाल के लिए। 14th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो, इसको करने का प्रयास करिए, 14th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप सभी क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए कि केशव और विपुल की आयु का अनुपात 9:10 है, क्या अनुपात है 9:10 केशव और विपुल की आयु का अनुपात है, तो जैसे मैं लिख दूंगा केशव तो ये रहा और विपुल ये रहा, अनुपात कितना है 9:10, देखो रेशियो के क्वेश्चन को ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आपको यही ध्यान रखना है। अब देखो आपको क्या 12 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान अनुपात है ना उसका, वर्तमान में तो ये अनुपात है, जैसे मैं आपसे बोलूं 12 वर्ष बाद तो इसमें भी 12 वर्ष जुड़ेंगे, देखो ये रेशियो है लेकिन कहीं ना कहीं तो इसको मैं x से गुणा कर दूंगा तो कहीं ना कहीं एक्चुअल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी, कहीं ना कहीं एक्चुअल वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो ये इसमें 12 जोड़ दिया तो इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा क्योंकि 12 साल बाद पूछा है ना, तो 12 साल बाद अनुपात क्या हो रहा है, 12 साल बाद अनुपात हो रहा है, 12 साल बाद अनुपात क्या हो रहा है, क्या अनुपात हो रहा है 13:14, 13:14 ये अनुपात हो रहा है, ये अनुपात 12 साल बाद हो रहा है, अनुपात 12 साल बाद हो रहा है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं एक बात बताऊं कि जैसे वर्तमान में इनकी आयु क्या थी, वर्तमान में जैसे कमलेश पूछ लिया मैंने, केशव की वर्तमान आयु क्या है 9x है, देखो रेशियो में दिया हुआ तो 9x मान लूंगा, इसको मैं 9x मान लूंगा, ऐसे देखो फिर 12 वर्ष बाद इसमें 12 जोड़ दिया, अब केशव की आयु कितनी होगी, अब देखो ये अगर अनुपात 13:Y है, अगर ये अनुपात वाई है तो 13x हो गया, ये चीज अनुपात तो एक ही है ना, ये अपने आप में 13x हो गया क्योंकि केशव और विपुल के बारे में आपको बताया गया है, तो ये 13x हो गया। तो मैं आपसे पूछूं x की वैल्यू यहां से कैसे निकालोगे, 13x माइनस 9x बराबर कितना हो गया 12, यहां पे देखो 4x बराबर कितना आ गया, 4x बराबर 12 यानी कि x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3, तो यहां पे अगर x बराबर 3 आ गया तो केशव की आयु 9x थी और विपुल की आयु कितनी थी 10x। आपका पूछा क्या है केशव की वर्तमान आयु, तो केशव की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, केशव की वर्तमान आयु 9 × 27 यानी कि 27 वर्ष यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर हो गया 27 वर्ष राइट आंसर। क्या सभी का 27 आ रहा है क्या, जी हाँ बिल्कुल सभी का 27 आ रहा है, सभी का 27 आ रहा है, बहुत 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 बधाई आपको,
सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे आंसर देंगे, एक ही बच्चे का आंसर नहीं आना चाहिए, सभी बच्चों का आंसर है। जो भी लाइव देख रहे हैं सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में अपना आंसर पिन करेंगे, इससे क्या है कि एक पॉजिटिविटी आती है दिमाग में, आपका भी हौसला बढ़ता है कि हाँ सर और क्वेश्चन करूंगा और क्वेश्चन करूंगा। यहाँ पे आपका नाम भी लिया जाएगा सभी का, जो जो सही आंसर दे रहे हैं उनका आंसर, उनका नाम यहाँ पे लिया जाएगा। राजेश त्रिवेदी जी का आंसर आ गया, अनुपम नाथ का आंसर आ गया। सर ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है भाई, यूट्यूब पर चलेगी, डेली चलेगी, यूट्यूब पर चलेगी, डेली चलेगी और बेहतरीन कंटेंट के साथ चलेगी। अंशिका प्रखर राजरोग सभी का आंसर आ रहा भाई, सभी का आंसर बहुत बढ़िया भाई। प्रिया पालीवाल, विपिन पाल, राहुल, चिराग, अनुपम सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल भाई बिल्कुल भाई, सभी बताया जाएगा आपको, नाम वगैरह सब बताया जाएगा, नाम एड्रेस सब बताया जाएगा भाई आपको। सभी क्लास के बाद में डिस्कस होंगी, पहले पढ़ने आए हैं तो अपने एक घंटा या 50-55 मिनट अपन पढ़ते हैं, फिर आपको 2-4 मिनट 5 मिनट जो भी पूछना है वो सभी का आंसर आपको दिया जाएगा, नो टेंशन रहिए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो देखो क्या बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी, टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जो है 35 किलोमीटर की दूरी, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी, क्या बोला गया कि 35 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करती है, 60 मिनट, यानी कि एक घंटे में तय करती है, 60 मिनट में तय कर लिया उसने। अब आपसे पूछ रहा है कि 105 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगी, 105 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगी। अब देखो आपको देखते ही कैसे करोगे आंसर को, देखो देखते ही कैसे करोगे आंसर को, देखते ही कैसे करोगे, आपको क्या बोला गया, देखो एक सिंपल सी बात बताओ, सिंपल सी बात आप सोचना, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, आपको ज्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करना। देखो सिंपल क्या बोल रहा है, 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय कर रही है, ठीक है, अब 105 किलोमीटर की दूरी यानी कि 35 की तीन गुनी कितनी दूरी में तय करोगे। देखो पहली 35 60 मिनट में, दूसरी 35 60 मिनट में, तीसरी 35 60 मिनट में, तो 105 किलोमीटर की दूरी होगी और वो कितनी देर में करेगी, इसको भी तीन गुना हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा, तीन गुना यानी कि 36 18 180 मिनट में, 180 मिनट यानी कि तीन घंटे में तय करेगी। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा 180 मिनट, यानी एक ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ सभी को। और दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका और क्या है, आपको दिया हुआ है कि 35 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय कर रही है, 60 मिनट में, 60 मिनट में, तो यहाँ से चाल निकाल लो उस बस की, चाल निकाल लो, देखो मिनट को घंटे में बदलोगे, फिर इसको बदलेंगे तो कितना आएगा, एक घंटा, तो उसकी चाल कितनी होगी, 35 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी चाल होगी। अब आपको बोला गया कि 105 किलोमीटर, तो 105 बराबर 35, चाल इंटू समय, समय आपको पूछा है तो 35/3, तो 105/3 कितना हो जाएगा, 105/35 हो गया 3 बराबर टी, तो टी बराबर कितना आ गया, टी बराबर 3 आवर, 3 घंटे यानी कि 180 मिनट आप ये राइट आंसर होगा। लेकिन आपको देखते ही इस क्वेश्चन को सोल्व करना था कि 35 एक 60 मिनट में जा रही है, अगली 35 यानी कि 17 हो जाएगी, फिर 60 मिनट लगेंगी, अगली 35 यानी कि 105 हो जाएगी, फिर 60 मिनट आपको लगेंगी। इसी टाइप से आपको क्वेश्चन को बनाना है, देखते ही क्या अप्रोच दिमाग में आ रही है वो अप्रोच लगानी है, कम से कम समय में क्वेश्चन सोल्व करना है ताकि आप कोई अच्छा क्वेश्चन आ जाए उस पर आप टाइम स्पेंड कर पाओ, उस पर अच्छे से टाइम दे पाओ, वो भी क्वेश्चन आप सही कर पाओ। तो जो अच्छा क्वेश्चन आता है, जो इजी क्वेश्चन आता है, उसको पे आपको टाइम नहीं लेना है ज्यादा, ठीक है। सभी का आंसर सही आंसर आ रहा है भाई, सभी का सही आंसर आ रहा है, सभी का सही आंसर आ रहा है, सारे इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ पे, सारे ही इंटेलिजेंट बच्चे हैं, बिल्कुल सही भाई। आलोक, विशाल, चिराग, शिवम, विनय, बिल्कुल सही भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए देखो मैथ, मैथ के 15 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, 15 क्वेश्चन ही मैथ के आएंगे। सचिन कुमार, मनीष राजरोग, सभी का आंसर आ रहा है भाई, सभी का वेरी गुड भाई, सभी को वेरी गुड। अब देखो मैथ के आपको एग्जाम में 15 क्वेश्चन ही आएंगे, 15 क्वेश्चन ही आएंगे और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आएंगे, 5 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे, तो वो 5 क्वेश्चन भी मैंने इसी प्रैक्टिस सेशन में ऐड करे हैं। तो यहाँ पे ये आपका प्रैक्टिस जो सेट है वो मैथ प्लस रीजनिंग यानी कि 15 प्लस 5 का होने वाला है, टोटल यहाँ पे 20 क्वेश्चन होंगे, डेली होंगे और अच्छे कंटेंट के साथ होंगे। तो देखो मैथ यहाँ पे समाप्त हुआ, अब आपके रीजनिंग पे जाना है। तो रीजनिंग का पहला क्वेश्चन देखो ये रहा, 16 क्वेश्चन रीजनिंग का पहला क्वेश्चन कैलेंडर से आपके सामने प्रस्तुत है, सभी इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करें, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सीलिंग मिस्टेक होने के चांसेज हैं, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से करना है। बिल्कुल सभी के गाँव के नाम पूछे जाएंगे, अभी रुक जाओ, 5 क्वेश्चन और हैं, थोड़ी देर में आपसे बातचीत भी करी जाएगी, सभी को अपना नाम, गांव सब बताना है, सब बताना है आपको। पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, क्या इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सभी बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। आंसर आने लगे हैं, देखते हैं सही आंसर क्या होगा। देखो कैलेंडर का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपको, पूछा हुआ क्वेश्चन है,
पी वाई क्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। क्या बोला गया आपको? आपको एक तो 2004 की बात की गई है, एक 2004, एक 2005 की बात करी गई है, 2005 की बात करी गई है। अब देखो आपको क्या, 10 जनवरी, 10 यानी कि 10 जैन को, 10 जनवरी 2004 को क्या वार था? क्या वार था? आपका ट्यूजडे था। क्या था? ट्यूजडे था। अब आपको पूछा है कि, आपको क्या पूछा है कि 10 जनवरी 2005 को क्या वार होगा? इसी डेट, सेम डे पे नेक्स्ट ईयर क्या वार होगा? नेक्स्ट ईयर क्या वार होगा? अब देखो कैसे करेंगे, देखो सभी का वेडनेसडे आ रहा है, सभी का वेडनेसडे आ रहा है, लेकिन सभी का आंसर गलत है, सभी का आंसर गलत है। क्यों गलत है वो यहां पे मैं डिस्कस करूंगा। देखो क्यों गलत है, यही तो मैं बता रहा था आपको, सीलिंग मिस्टेक नहीं करनी, आपको क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना है। कैलेंडर के क्वेश्चन को कैसे करते हैं सभी का? देखो बात तो सही है कि सभी ने एक बढ़ा दिया, अपन को यही बताया गया, अपन को हमेशा और हमेशा यही बताया गया कि सेम डे के बारे में अगर नेक्स्ट ईयर के बारे में पूछे, 2004 है, 2005 के बारे में पूछे और सेम डे के बारे में पूछे, देखो सेम डे है 10 जनवरी, लेकिन तो आप क्या करते हैं, तो यहाँ पे एक प्लस कर देते हैं, एक प्लस कर देते हैं, तो ट्यूजडे था, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, वेडनेसडे कर दिया, जैसा कि सभी ने आंसर दिया है, लेकिन सभी का गलत है, लेकिन सभी का गलत है। क्यों गलत है? देखो आपने एक प्लस तो कर दिया, लेकिन ये क्या लीप ईयर है क्या? 10 जनवरी 2004 लीप ईयर है क्या? 2004 एक लीप ईयर है, तो कहीं ना कहीं फरवरी बीच में आएगी। देखो जनवरी से, 10 जनवरी 2004 से अगर मैं 10 जनवरी 2005 तक जाता हूं, तो कहीं ना कहीं फरवरी बीच में आएगी क्या? 2004 की फरवरी बीच में आएगी, 2004 की फरवरी में कितने दिन होंगे? 29 दिन होंगे, यानी कि 28 दिन के एक प्लस होगा, तो यहाँ पे एक प्लस न होकर कितना प्लस होगा? एक प्लस न होकर कितना प्लस होगा? दो प्लस होगा। कितना प्लस होगा? दो प्लस होगा। तो ट्यूजडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, यानी कि क्या आंसर आ जाएगा? THUESD, थर्सडे अपना राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। थर्सडे अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। थर्सडे क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बिल्कुल भाई, देखो इस क्वेश्चन में फंस गए ना आप, अच्छा क्वेश्चन था, देखो फंस गए ना, यही आपको नहीं करना था, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना था। कैलेंडर के क्वेश्चन में आपको दो ही बातें ध्यान रखनी है कि लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर है कि नहीं है, लीप ईयर में ये आपको फंसना नहीं है। देखो आंसर आपको, देखो एकदम आगे पीछे दे रखे हैं, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो गलती होने की, देखो एक दिन की ही गलती होगी, वो आंसर भी आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो आप कहीं ना कहीं उसको टिक कर दोगे, तो आपको पहले ही क्या है, सीलिंग मिस्टेक से बचना है, सीलिंग मिस्टेक से बचना है। जीएस का क्लास हो तो गया भाई, जीएस का क्लास 7:30 से 8:30 होता है, जीएस का क्लास डेली 7:30 से 8:30। फिर से बताइए, देखो एक बार ध्यान दीजिए, देखो 2004 से 2005 में जा रहे हैं अपन, सभी का आंसर फिर से बताइए, तो 2004 से 2005 में जा रहे हैं, तो देखो 10 जनवरी से 10 जनवरी 2005 तक जा रहे हैं, क्लियर है? अब देखो 10 जनवरी से 2005 में जाएंगे, तो देखो अपन क्या करते हैं, नॉर्मली 365 दिन होते हैं, देखो एक प्लस क्यों करते हैं अपन, एक प्लस क्यों करते हैं, ध्यान दो, क्योंकि नॉर्मल ईयर होता है ना, उसमें 365 दिन होते हैं, उसमें अपन ओड डेज निकालते हैं, ओड डेज कैसे निकाल, 7 बजे 35, 7 बजे 14, यानी कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, एक रिमाइंडर क्या आ गया, एक, तो अपना ओड डे कितना हो गया, ओड डे हो गया एक, इसलिए अपन एक जोड़ देते हैं, क्योंकि सेम डे नेक्स्ट ईयर में एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर लीप ईयर कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, लीप ईयर का फरवरी कहीं ना कहीं बीच में आ रहा है, तो यहाँ पे एक प्लस न कर अपन कितना प्लस करते हैं, दो प्लस करते हैं, कितना प्लस करते हैं, दो प्लस करते हैं, तो देखो 10 जनवरी, देखो फरवरी भी आएगी, 2004 की फरवरी आएगी, तो उसमें 29 दिन होंगे, तो यहाँ पे 366 दिन जो होंगे, 366 दिन होंगे, उसमें 7 का भाग देंगे, 7 बजे 35 और 7 दून 14, यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 2, यानी कि ओड डे की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इसलिए अपन 2 यहाँ पे प्लस कर देंगे, ट्यूजडे, वेडनेसडे और थर्सडे अपना राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर थर्सडे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि PALE, सभी क्वेश्चन को करें PALE को मैंने कूट कर दिया, किसी भी मतलब कोई भी लैंग्वेज में मैंने 2, 1, 3, 4 ये लिख दिया, ऐसे देखो मैंने EARTH को क्या लिखा है, 41590, इसको मैंने इस तरह से कूट कर दिया, तो आपको देखो इनके कोड वर्ड है, इनके कोड वर्ड है, पी को मैंने 2 के रूप में लिख दिया, ए को 1 लिख दिया, एल को 3 लिख दिया, ई को 4 लिख दिया, ऐसे देखो ई को 4, ए को 1, ऐसे मैंने लिख दिया, तो आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है कि PEARL को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो कैसे, देखो पी का कोड वर्ड क्या है, पी का कोड वर्ड है सर 2, तो यहाँ पे भी 2 ही आएगा, ए का कोड वर्ड देखो 1 है, ए का यहाँ पे भी 1 है,
ई का कोडवर्ड देखो चार है तो यहाँ पे चार आ जाएगा ई के नीचे, ए का कोडवर्ड देखो एक है तो एक आ जाएगा, आर का कोडवर्ड देखो पांच है तो यहाँ पे पांच आ जाएगा, एल का कोडवर्ड क्या है, एल का कोडवर्ड है तीन, तो अपना राइट आंसर हो जाएगा 2 4 1 5 3, 2 4 1 5 3 ऑप्शन नंबर दो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या सभी का यही आंसर आ रहा है क्या, क्या सभी का यही आंसर आ रहा है? बिल्कुल भाई, सभी का बी, सभी का बी, बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया सभी का। सुजीत, प्रिया, बेकर, राजरोग, हिमांशु, सभी का आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, सभी का बी आंसर आ रहा है, सभी का बी आंसर आ रहा है। चलिए भाई, बहुत बहुत बताइए, आपको सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सही ट्रैक पे हो, आप सही ट्रैक पे हो, आप फौजी बन के ही जाओगे, फौजी बन के ही जाओगे, फौजी बन के ही जाओगे, बस ऐसे ही लगे रहो भाई, ऐसे ही लगे रहो, आपको फौजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन एक सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज का क्वेश्चन है, सीरीज आपको दी हुई है 1, 9, 25, 49 यानी कि 49, और आपको क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, और आपको दिया हुआ है कि 121, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, बताइए भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 18 का, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा, सभी बताया जाएगा। एक बस दो तीन क्वेश्चन और है, उसके बाद आपसे थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाएगा क्या आंसर आएगा, आंसर बताइए सभी। देखो अभी श्रृंखला में क्या मतलब निकल रहा है, इस श्रृंखला का मतलब क्या निकल रहा है, आप ये सब ध्यान दोगे। देखो श्रृंखला क्या है, 1 है 9 है 25 है 49 है। अब देखो मेरे को कहीं ना कहीं इनके ये वर्ग संख्याएं लग रही हैं, ये वर्ग लग रहे हैं किसी के। देखो एक किसका वर्ग होता है, एक का, तीन सॉरी नौ तीन का वर्ग होता है, 25 5 का होता है, ये 7 का होता है, ये यहाँ पे क्या आएगा, ये 11 का होता है। देखो इनको देखने को कहीं ना कहीं मेरे को ये लग रहा है कि ये सभी भी सम संख्याएं हैं। देखो पहचान कैसे करते हैं, पहचान कैसे करेंगे, आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं शक होगा कि हाँ सर ये सभी वर्ग लग रहे हैं, मेरे को वर्ग लग रहे हैं, तो इनका वर्गमूल निकाल लूंगा, इनका वर्गमूल निकाल तो इसका वर्गमूल आया 1, 3, 5, 7 और 11। तो कहीं ना कहीं इनको देखने में मेरे को ये पता लग रहा है कि ये सारी विषम संख्याएं हैं, ये सारी विषम संख्याएं। देखो 1, 3, 5, 7, 9, फिर क्या आएगा 9, फिर क्या आएगा 9, 9 यहां पे आ जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं 9 का वर्ग होगा, कहीं ना कहीं 9 का वर्ग होगा, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, कितना होता है 81, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 81, यानी कि ऑप्शन नंबर डी अपना, ऑप्शन नंबर 4 अपना राइट आंसर, सभी का ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। वेरी गुड भाई, सभी को वेरी गुड, वेरी गुड भाई। अंकुल, विमलेश, विमेश, चिराग, गुरु, अंशिका, गरिमा, रूप, अंकुर, आलोक, गया, देशभगत, सभी का राइट आंसर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी बच्चे क्वेश्चन का जबरदस्त तरीके से बहुत ही जल्दी आंसर देंगे, बिल्कुल तेज तरीके से आंसर देना है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है, प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि आपको लोगों को पता लगे कि प्रीवियस में इजी क्वेश्चन भी आते हैं, प्रीवियस में ना इजी क्वेश्चन ही एग्जाम में आते हैं। तो क्या करोगे आप, क्या करोगे, देखो आपको दिया हुआ 39 39, फिर 41, फिर आपको 43, फिर आपको 45, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क, फिर आपको क्वेश्चन मार्क, तो बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। अब देखो ये श्रृंखला क्या बन रही है, देखो 39 में 2 जोड़ूंगा, प्लस 2 जोड़ने पे 41, प्लस 2 यहाँ पे भी देखो प्लस 2, यहाँ पे प्लस 2 होगा कहीं ना कहीं, तो प्लस 2 होने पे 45 और 2 क्या आ जाएगा 47, क्या आ जाएगा 47, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा 47, अपना राइट आंसर 47 हो जाएगा अपना राइट आंसर, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, सभी ने कर लिया बिल्कुल, सभी का सही आंसर आ रहा है, इजी क्वेश्चन था। देखो अब देखो 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन, सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये श्योर है, ये बिल्कुल श्योर है, आपको एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा। देखो क्या कह रहा है कि ब्लड रिलेशन इस टाइप के क्वेश्चन को करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चन को, कि अरुण कहता है कि यह महिला, मतलब अरुण खड़ा है, ठीक है, अरुण कहीं खड़ा है और एक महिला है, तो अरुण उस महिला के बारे में कहता है कि ये जो महिला है ना, ये मेरे पिता की माता की पुत्री है, तो अरुण के पिता के माता की पुत्री, तो आपको अरुण की जगह अपने आप को रखना है, अरुण की जगह आपको अपने आप को रखना है, किसको रखना है, अपने आप को रख के ऑब्जर्व करना है, अपने आप को रखकर चीजों को सोचना है, बहुत ही बेहतर सोच पाओगे और क्वेश्चन का आंसर भी सही दे पाओगे। तो क्या करना है कि अरुण कहता है, यानी कि आप ही कहते हो कि ये जो महिला है ना, ये मेरे पिता, यानी कि इसके अरुण के पिता होंगे, अरुण के पिता की माता, की माता, ठीक है, तो ये माता अरुण की दादी होगी, अरुण की दादी हुई ना, ये चीज, ये अरुण की दादी हुई, की पुत्री है, यानी कि माता की पुत्री है,
या माता की पुत्री है, अरुण के पिता उसकी माता के पुत्र हैं, और ये देखो ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए, ये दोनों भाई बहन हुए कि नहीं हुए। तो ये जो महिला है ना, ये जो महिला थी ना, ये अरुण के पिता की बहन है, ये अरुण के पिता की बहन है, ये अरुण के पिता की बहन है। तो आपके पिता की बहन आपकी क्या लगी, आपके पिता की बहन आपकी क्या लगी, सभी बच्चे बताएंगे कि आपके पिता की जो बहन है, आपके पिता की बहन आपकी क्या लगी, आपकी क्या लगी, आप बताओगे सर मेरी बुआ लगी, क्या लगी, बुआ लगी। तो बुआ क्या ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, हाँ सर ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन को ऐसे ही करते हैं, अपने आप को बीच में, अपने आप को सेंटर में रख के सोचा करो, अपने आप के सोचा करो कि मेरे पिता की माता की बेटी मेरी क्या लगी, ऐसे सोचा करो चीज़ों को, ऐसे ही ऑब्जर्व करा करो, राइट आंसर तक आप पहुंचो ही पहुंचोगे और बिल्कुल सटीक आंसर तक पहुंचोगे। बहन नहीं आएगा भाई, बहन नहीं आएगा भाई, बुआ यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, बुआ सभी का बुआ आ रहा है भाई, सभी का बुआ आ रहा है, बहुत बहुत बढ़िया सभी को, बहुत बहुत बढ़िया सभी का, कमेंट बहुत ही फास्ट तेजी से आ रहे हैं, बिल्कुल भाई सभी का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो देखो आज का फाइनल क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन था, बाकी आपको एक बैच आ रहा है, देखो अग्निवीर आर्मी बैच आ रहा है कि 100% सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो इस बैच से आप जुड़ जाइए, ये बैच, इस बैच की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, अग्निवीर का बैच आपको परचेज करना है और अपने आंसर को, अपने जो सिलेक्शन है उसको क्या करना है, 100% सुनिश्चित करना है, 100% क्या करना है, सुनिश्चित करना है। तो जल्दी से सारे बच्चे इस बैच से जुड़ जाइए, इस बैच से जुड़ जाइए, इसमें सारी चीज़ें बेसिक टू एडवांस हो रही हैं, सारी चीज़ें बेसिक से हो रही हैं और एडवांस लेवल तक जा रही हैं, प्रैक्टिस सेशन तो यूट्यूब पे चल ही रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें बेसिक से हो रही हैं। तो जल्दी से क्या करेंगे सभी बच्चे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप एसएससी मेकर का ऐप डाउनलोड कीजिए और आर्मी अग्निवीर के बैच को तुरंत परचेज कीजिए और अग्निवीर की तैयारी भी चालू कर दीजिए, क्योंकि देखो एग्जाम, देखो भाई एग्जाम बहुत ही 22 अप्रैल के आसपास आपका एग्जाम है, तो आपके पास कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड समय है, आपको क्या करना है एग्जाम में अपनी प्रिपरेशन बहुत तेज़ी से बढ़ानी है भाई, एग्जाम की प्रिपरेशन तेज़ी से करनी है, इसलिए आप अग्निवीर का अपना बैच परचेज कर लिए, मात्र 200 रुपये में ये बैच है, मात्र 200 रुपये में ये क्या है बैच है, उसमें सारी आपको क्या क्या मिलेगा, आपको VAD क्लासेज मिलेंगी, आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, आपको एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ाया जाएगा और डाउट सेशन भी आपको मिलेंगे। तो देखो सारी चीज़ें आपको 200 रुपये मिल रही हैं, बहुत ही कम पैसों में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, बिल्कुल भाई बिल्कुल। अब आपके कमेंट्स पढ़े जाएंगे 2 मिनट, फिर अपन सेशन को समाप्त करेंगे, बिल्कुल भाई सभी बच्चे बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी बच्चे बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा, और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप 1-2 मिनट में पूछ सकते हो, फिर अपन सेशन को समाप्त करेंगे, फिर अपन को सेशन का समाप्त करेंगे, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि आपका टाइम बहुत ही क्रूशियल है, आपको इस टाइम को पढ़ाई में यूटिलाइज करना है, ज़्यादा पढ़ाई में आपको इस चीज़ को यूटिलाइज करना है। नेम शिवम कुमार शर्मा, डिस्ट्रिक्ट पढ़ा नहीं जा रहा भाई, तेज बहुत ही तेज कमेंट जा रहे हैं। सर सुबह क्लास कितने बजे, डेली क्लास, देखो जीके की क्लास आपकी 7:30 से 8:30 है, मैथ्स की क्लास कब है, 9 से 10 है, कब है 9 से 10, इसके बाद आपकी इंग्लिश की क्लास भी होगी, इसके बाद आपकी तुरंत इंग्लिश के बाद इंग्लिश की क्लास होगी, वो भी आपकी शेड्यूल्ड क्लास है, इंग्लिश की क्लास भी आपकी डेली होगी। जो बच्चे क्लर्क लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो सारी इंग्लिश की क्लास से भी जुड़ जाइएगा, इंग्लिश की क्लास से भी जुड़ जाइएगा। टाइम को 43 एंड वेन 40 टर्न। सभी को सेशन कैसा लगा, सभी बच्चे बताएंगे कि सेशन कैसा लगा, सभी का आंसर है सर अच्छा लगा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत थैंक यू सभी को, थैंक यू। चलिए फिर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज सेशन को समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपको आज का सेशन, सभी बच्चे देखो कमेंट बहुत ही कम आए हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है कि कैसा लगा आज का आपको आज का सेशन कैसा लगा सभी को। मस्त मस्त भाई सब, चलो चलो बढ़िया भाई, बढ़िया भाई, जी मैं इसी चैनल पे एग्जाम फिनिशर चैनल पे यूट्यूब चैनल पे डेली लाइव आपकी क्लास मैं ही पढ़ाऊंगा, जो प्रैक्टिस सेशन होंगे वो मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, सब चीज़ आपको PDF भी मिलेगी, आपको क्लासेज भी मिलेंगी, आपको बैचेज भी मिलेंगे, सब चीज़ मिलेंगी,
आपको बेस्ट चैनल से जुड़े रहना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए, आपको हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, हर चीज़ डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और अगर आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो भी भाई अपनी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि अग्निवीर से रिलेटेड जो भी एग्जाम स्टेट पुलिस होगी उनकी तैयारी भी अगर कहीं ना कहीं कर रहे हैं तो वो भी इस बैच से जुड़ें, वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठाएँ। क्योंकि देखो मैथ्स है, मैथ्स एक कॉमन सब्जेक्ट है, इसमें देखो किसी भी चीज़ की ले लो आप, पुलिस ले लो, आर्मी ले लो, कुछ भी ले लो, मैथ्स तो मैथ्स है, वही मैथ आर्मी में आनी है, वही चीज़ पुलिस में आनी है। तो इस सेशन का सभी लोग फायदा उठाएं, इसलिए आप क्या करोगे, इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करोगे, ठीक है। चलिए भाई फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से 9 से 10 इसी सेशन में, 9 से 10 डेली लाइव सेशन होगा, कल मुलाकात होगी अगली, तब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय, टेक केयर। चलिए फिर मिलते हैं कल, ओके, जय हिंद, जय भारत।